भोजपुरी फिल्मों के एक्शन किंग कहे जाने वाले अभिनेता यश कुमार की फिल्म रुद्रा की शूटिंग 25 दिसंबर से गुजरात में शुरू हो जाएगी। ऐसे में हाल ही में फिल्म का आइटम सॉन्ग मुंबई में शूट किया गया, जिसमें अवधेश मिश्रा ठुमके लगाते नजर आए। फिल्म के आइटम सॉन्ग के बाद फिल्म की शूटिंग गुजरात में की जाएगी। ऐसे में फिल्म के आइटम सॉन्ग शूट कर रही अभिनेत्री ने क्या कुछ बताया फिल्म के बारे में, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, इस फिल्म के मेन हीरो हैं हमारे यश मिश्रा जी, जिनको आप यश कुमार के नाम से भी जानते हैं, और इसमें मेन विलन है अवधेश मिश्रा। यही दो नाम अपने आप में इतने बड़े हैं कि आप समझ जाइए कि हमारी फिल्म किस लेवल की है। और हम इसका शूट कर रहे हैं एक नाइट क्लब में, जो कि मेरी फेवरेट जगह हुआ करता है, वहाँ पर मैं शूट कर रही हूँ ये सॉन्ग। सीक्वेंस क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये देखने आपको खुद आना होगा। ये भी कहना चाहूंगा आपसे कि भोजपुरी फिल्म में आइटम सॉन्ग का बहुत अहमियत होता है, आप क्या समझती हैं कि आइटम सॉन्ग कितना रिस्पॉन्सिबल होता है, कितना जिम्मेदार होता है दर्शकों को लुभाने के लिए? देखिए, भोजपुरी फिल्म हो या हिंदी फिल्म हो, आइटम सॉन्ग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए नहीं कि मैं इसमें आइटम सॉन्ग कर रही हूँ, बल्कि इसलिए कि फिल्म में स्टोरी ऐसी होती है, कई बार बहुत गंभीर, कई बार बहुत कॉमेडी, कई बार अलग अलग मूड होते हैं। उस मूड से आपको एक बार निकालने के लिए और एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट के लिए एक सॉन्ग की ज़रूरत होती है। कभी कभी वो स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी होता है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, किस्मत से मैं उनके साथ एक फिल्म करते करते रह गई, मतलब मैंने वो सॉन्ग किया बट सर नहीं आ पाए डेट्स की वजह से, तो इसलिए मैं उनके साथ आज पहला सॉन्ग कर रही हूँ। मैंने जैसा कि उनके बारे में सुना था, उससे भी आई थिंक 1000 times ज़्यादा वो कोऑपरेटिव आर्टिस्ट हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो आपको इतना रिलैक्स कर देते हैं कि आपको नहीं लगता कि वो उनका लेवल और आपका लेवल में इतना डिफरेंस है। वो आपको एक अपने लेवल पे ला करके काम करने के लिए बहुत 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 रिलैक्स करते हैं। देखिए, लीड और आइटम सॉन्ग दोनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं, बल्कि मैं तो ये कहती हूँ जो करेक्टर आर्टिस्ट भी होते हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। हर इंसान महत्वपूर्ण है, एक फिल्म इन सारे आर्टिस्ट लोगों के बिना नहीं हो सकती है, चाहे वो कोई करेक्टर हो चाहे मेन आर्टिस्ट हो। हाँ बिल्कुल, हमारी विदेशों तक प्रसिद्धि गई है, बल्कि मेरे ख्याल से कि हमारी इंडस्ट्री जो कि बहुत बदनाम कही जाती थी, उसमें इतना बड़ा चेंज आया है और आज हमने दिखा दिया कि नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री बिल्कुल भी कहीं से भी गलत नहीं, क्योंकि लोग इन्जॉय करते हैं हमारे सॉन्ग को। ले लीजिए, कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा गणपति है, भले महाराष्ट्र में गणपति मनाते हैं, फिर भी एक भोजपुरी सॉन्ग ना हो तो मज़ा नहीं आता है। मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ इस समय, मैं तीन नाम आपको बताना चाहूँगी। एक है बागी, जिसको कि बिटवा बागी के नाम से भी आप जानते हैं। एक न्यू फिल्म है जिसका अभी तक टाइटल नहीं आया है, एक आपके सामने रुद्रा चल ही रही है, ये मेरे तीन प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अलावा मेरे कुछ हिंदी प्रोजेक्ट्स हैं, तो जल्दी ही आप मुझे और भी देखेंगे। ओ माई गॉड, आइए मैं आपको मिलाती हूँ मेरे गॉड फादर से, कानून मास्टर जी। इनको मास्टर जी कहूँ या पापा जी कहूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़े इंसान ही है, क्योंकि इनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। फिल्म का नाम रुद्रा तो सब जानते ही हैं, और ये एक सिचुएशन ऐसा है कि विलेन ग्रुप सक्सेस होते हैं और गाने के बोल, और मैं बहुत खुश हूँ कि रानू जी इसमें कर रहे हैं, और गाना बहुत अच्छा है, थोड़ा अलग है, हम लोग जो आइटम करते हैं उससे थोड़ा सा अलग हो रहा है ये। बस प्रे है कि भगवान करे कि अच्छा से हो जाए। फिल्म का नाम भी, टाइटल भी बहुत अच्छा है रुद्रा, और हम डायरेक्टर राकेश जी के साथ फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, और यंग ग्रुप है, बहुत अच्छा काम है। तो आज आज के दौर में जो आइटम सॉन्ग आते हैं क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़्यादा मतलब बहुत लगता है आइटम सॉन्ग भोजपुरी फिल्म में? आइटम अहम क्या बोले आप? आइटम सॉन्ग की बात कर रहा हूँ, कितना बहुत लगता है भोजपुरी फिल्म में? इन्जॉयमेंट के लिए तो एक आइटम होना ही चाहिए, क्योंकि हीरोइन तो आइटम नहीं करेगी, तो एक आइटम गाना होना ही चाहिए। जैसे हम पहले के दिन में कैसे मुजरे होते थे, आइटम उनको नौटंकी होते थे, आज का नाम दे दिया गया आइटम। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की ओर से अभिलाष की रिपोर्ट।